एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ अभी मैं ना राहफ स्कूल के लिए रेडी हो रही है, तो बस मैं इसकी चोटी कर रही हूँ। तो आज है राहफ का बर्थडे, तो बस बोली है कि मम्मी कुछ सेलिब्रेशन नहीं करेंगे और बस उसके पसंद का खाना आज बना देंगे। तो उसे बटर चिकन, बटर नान और रस मलाई बहुत पसंद है, तो बस वही लंच में बनाऊँगी। और उसकी दो तीन फ्रेंड आएगी। तो यहाँ जो है ना, मैंने बोनलेस ही चिकन का बनाया है बटर चिकन के लिए। इसमें दो मैरिनेट करते हैं, दो मैरिनेशन होता है ना, तो नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट और वेनेगर डाल के मैंने पहले ही फर्स्ट मैरिनेशन किया। 10 मिनट के बाद यहाँ मैंने चिकन मैरिनेशन के लिए एकदम बिना पानी का आपको दही और ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वो ऐड करना है, और ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा, और नहीं तो मैंने फूड कलर डाला है। एक 10 मिनट के लिए और मैरिनेट होगा। और यहाँ मैं ग्रेवी के लिए काजू ढेर सारा ले लेंगे और टमाटर 6 लेंगे, और उसी का आधा मैं प्याज लूँगी 3, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा है ना मैंने रेड ग्रीन चिली लिया है। तो उसको जो है ना हम पेस्ट बनाना है। तो पहले मैंने बटर चिकन है तो 1 टीस्पून मैंने बटर डाला है, और उससे जलने से पहले हमें उसमें 3 छोटी इलायची, दालचीनी और वगैरह को डाल देंगे। लहसुन के जगह पे यहाँ मैं लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, और यहाँ मैंने नमक डाल दिया तो, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर भी हम इसमें अभी ही ऐड कर देंगे। और यहाँ जो है ना हमें डायरेक्ट पानी नहीं डालना है, 10 मिनट तक कम से कम इसे हाई फ्लेम पे पकाना है, ताकि हमारा जो है ना टमाटर प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। नहीं तो अभी डायरेक्ट पानी दे देंगे ना तो उसमें कच्चापन थोड़ा रह ही जाता है। जब ये अच्छे से हो जाए ना तो 1 कप बस पानी डाल के इसे ढक के हम पानी सूखने तक पका लेंगे। 5 से 7 मिनट में ये पानी इसका सूख जाता है और ये हमारा पूरी तरह से पक जाता है। ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट बना लेना है। ये अब मैं इसे फ्राई कर ले रही हूँ, तो इसे बटर में ही फ्राई करना है जो हमने मैरिनेट किया था चिकन। तो ये चिकन आप बोनलेस का भी बना सकते हैं और विथ बोन भी बना सकते हैं। तो ये जल्दी बनाने के लिए ना मैंने आज ये बोनलेस का ही बनाया है, और बोनलेस में कम में ही ज़्यादा बन जाता है। तो इस तरह से इसे फ्राई कर लेना है, तो इसे ज़्यादा टच नहीं करना है, नहीं तो इसका है ना मसाला छोड़ देगा। तो दही में पानी जो है ना आपने मैरिनेट किया बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो फिर ये जो पूरा फ्राई करते हुए पूरा जो है इसका मसाला निकल जाता है। तो ये बोनलेस है तो ये जल्दी ही फ्राई हो जाता है। तो यहाँ मैंने 2 फ्राई पैन में दोनों तरफ फ्राई कर लिया है। अब ना हम इसमें स्मोक लगा लेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम इसकी ग्रेवी बना लें। तो फिर से मैंने 2 टीस्पून बटर डाला है। बटर को जलने से पहले थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है इसका कलर अच्छा करने के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं है तो फिर आप 4 रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो पेस्ट बनाया था ना प्याज टमाटर काजू वगैरह, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसे चलाते हुए हमें इसे पकाना है। 3-4 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें फ्राई किया हुआ जो टिक्का चिकन है ना वो डाल देंगे, और इसे अच्छे से ऊपर नीचे तक। तो ये हमारा चिकन जो है लगभग पूरा गल ही चुका है। तो कसूरी मेथी इसमें 1 चम्मच भर के डालना है, शुगर डालना है 1/2 चम्मच, तो शुगर या फिर आप हनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन डालिएगा जरूर, क्योंकि हमने बहुत सारा टमाटर और मसाला वगैरह डाला ना तो थोड़ा खट्टापन आ जाता है। क्रीम लास्ट में इसमें जाएगा, क्रीम 2 टीस्पून, और थोड़ा सा फिर मैंने बटर उस पर से ऐड कर दिया। मिक्स करके क्रीम के बाद गैस को बंद कर देंगे, और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार हुआ था, सबको बहुत ही पसंद आया था। थोड़ा टाइम लगता है इसे बनाने में, लेकिन बहुत ही अच्छा ये बन के तैयार होता है। बना रही हूँ हाँ रसमलाई। तो 1 kg फुल क्रीम दूध मैंने लिया है इसका सिरप बनाने के लिए, और इसको हम लो फ्लेम पे चला देंगे जब तक ये रिड्यूस नहीं हो जाए दूध हमारा, ये आधा हो जाएगा ना तब ये बन के तैयार होगा। इसे हर थोड़ी देर बाद इसे इस तरह से चलाते रहना ताकि वो नीचे सटे नहीं। यहाँ मैंने 2 kg दूध को बॉयल कर लिया था, और इसमें मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ। तो मैंने बॉयल करके तुरंत बहुत ज़्यादा गर्म दूध इसमें डाल दिया था ना विनेगर, तो ये बहुत देर से फटा था और मुझे ज़्यादा विनेगर देना पड़ा था, तो आज ये बहुत ज़्यादा ही ये मैशी हो गया था। तो हमेशा जो है ना, जब भी आप दूध का छेना बनाना हो तो बल्कि हल्का गर्म दूध में आप विनेगर या लेमन डालिएगा ना, तो बस थोड़ा सा ही। तो देखिए यहाँ मैं 2 बार दे रही हूँ तब भी ये नहीं फट रहा, तो आज दूध फटने में बहुत ही मुझे मुश्किल हुआ, क्योंकि पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया कि मैंने बॉयल ही दूध में ये विनेगर ऐड कर दिया। कभी भी बॉयल एक दूध में है ना विनेगर या लेमन आप डालेंगे ना तो वो जल्दी नहीं फटेगा। तो थोड़ा देर बाद ये फटा, लेकिन ज़्यादा ही विनेगर डाल, तो फिर मुझे इसे बहुत ही धोना पड़ा। छेना बन जाने के बाद उसे ज़रूर धोइएगा, नहीं तो फिर उसके रसगुल्ला में है ना विनेगर का खट्टापन आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसे बहुत धोया, तो उसमें पानी भी थोड़ा रह गया, तो आज ये रसगुल्ला बनाने में बहुत ही मैसी हो गया था।
लेकिन फिर लास्ट में ये बन गया अच्छा से। तो यहाँ देखिए दूध भी हमारा आधा हो गया है और उसमें मैं ना काजू बादाम लंबा लंबा काट के ऐड कर रही हूँ, उसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो ये हमारा हो ही गया, तो बस हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। तो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिएगा, यहाँ मैंने 1 कप शुगर ऐड किया है। तो शुगर ऐड करने के बाद ये फिर से थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो बस 1 कप, आधा कप दूध में मैंने थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा है ना वो कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर लगभग आप आधा टीस्पून डालिएगा इस, और उसे घोल के डाल दीजिएगा। तो ये तुरंत गाढ़ा भी हो जाएगा और टेस्ट में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। और यहाँ पे अपना मैंने 6 इलायची को कूट के डाल दिया है, तो आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये जो मेरा छेना बना था ना, उसे बस इस तरह से लगभग 10 मिनट तक हाथ के हथेली से करना है, तभी ये जो है ये सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। तो ये रसगुल्ला बनाने में ना यही बहुत मेहनत का काम होता है। आप बाइंडिंग बनाने के लिए 2 टीस्पून मैंने इसमें मैदा डाल दिया, आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। और ये जो है 2 केजी दूध के लिए 2 टीस्पून है ना मैदा परफेक्ट है। तो ये बस छोटे छोटे ही बनाइएगा, क्योंकि वो सिरप में जाने के बाद है ना वो फैल जाएगा, डबल हो जाता है। तो यहाँ बस 1 लीटर पानी हुआ, 1 बोतल पानी में मैंने 1 गिलास चीनी ऐड किया। बस बॉयल करना है, कोई हमें 1-2 तार का शीरा नहीं बनाना है, बस बॉयल हो जाएगा और हम इसमें ये रसगुल्ला डाल देंगे। तो हाई फ्लेम पे मैंने इसे 5 मिनट तक और फिर मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे 15 मिनट तक ढक के पका लिया था। इतना देर में ये अच्छे से कुक हो जाता है हमारा रसगुल्ला। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद ये ऊपर आ जाएगा, साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। और ये जब 15 मिनट बाद और पक गया, तो मैंने इसे ठंडे पानी में फ्रिज के डाल दिया, ताकि ये जो है ना छोटा नहीं हो, क्योंकि वो। और उसके बाद पानी निचोड़ के मैं इसे रसमलाई में रख डाल दूंगी और इसे फ्रीज में रख दूंगी, क्योंकि रसमलाई वगैरह ठंडे ही खाई जाती है। यहाँ बटर नान, तो 1 केजी मैदा को मैंने छान लिया है, आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने शुगर ऐड किया है और 2 टीस्पून ऑयल डाला है। आप बटर या घी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ना दही डालूंगी, तो दही से ही इसे गूंदना है। लास्ट में थोड़ा सा पानी डाल देना है, या फिर आपके पास अगर यीस्ट है तो वो तो सबसे बेस्ट है। और थोड़ा देखिए ये गूंद आ गया, और तब मैं इसे ना खाने के टाइम में नमाज़ वगैरह पढ़ के तभी से बनाऊंगी। तो बस मैं इन्हें थोड़ा हल्का हल्का मोटा करके और इस तरह एक तरफ पानी के साथ सटा के तवा पे, और दूसरी तरफ फिर हम इसे तवा ही को डायरेक्ट आग में लगा के इसे पका लेंगे। तो वो क्लिप मेरा मिस हो गया था, लेकिन ये बटर नान भी बिल्कुल बाहर ही की तरह एकदम सॉफ्ट बना था। वगैरह पढ़ने के बाद हम लोगों ने नच किया, तो ये है बटर चिकन, रस मलाई और ये नान और जीरा राइस थोड़ा सा मना लिया था, और प्याज के बिना तो अधूरा है। तो बहुत ही टेस्टी आज का खाना था। कभी कभी बिरयानी वगैरह के अलावा भी इस तरह का जो है ना स्पेशल लंच अच्छा लगता है। अभी हो रहा है अब शाम का टाइम, रहा कोचिंग से आ गई थी, तो बस यहाँ छोटा सा केक आ गया था, क्योंकि घर में आज हम लोग बहुत ही कम लोग थे, 5-6 ही लोग, और पिज़्ज़ा वगैरह मंगा लिया था। और यहाँ रहा केक कटिंग कर रही है, तो फिर भी बोली मम्मी केक क्यों मंगा लिए से इस बार, बिल्कुल ही पिछले ही बार बोल दी थी कि अब ये लास्ट है, मैं अब केक वगैरह अब नहीं काटूंगी, लेकिन फिर भी मंगा दिया, सूना सूना लग रहा था। बस इसके बाद रहफ जो है पढ़ने वगैरह बैठ गई थी, हम लोग भी अपने काम में लग गए थे। तो ये था बस आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, रहफ के लिए भी दुआ कीजिएगा। मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।